हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आज की खाबो। तो आज की खाबो स्पेशल में हम आपको आज दिखाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। तो लाइक आप लोगों ने खाया होगा बहुत टाइप के कोरमास, मटन कोरमा, चिकन कोरमा, पनीर कोरमा, एग कोरमा। तो आज हम आपको दिखाएंगे फुल गोभी कोरमा। तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है और कैसा लगता है। गाइस, फुल गोभी कोरमा के लिए ऑब्वियसली बात है, हमें फुल गोभी चाहिए चाहिए। और क्या चाहिए मम्मी, जरा बता दो आप। पहले हम इसको बॉईल करेंगे थोड़ा नमक डाल के। अच्छा, पहले हम नमक डालेंगे एक चम्मच। ओके, पानी थोड़ा ही ज्यादा दे रही हूँ मैं, एक चम्मच, डेढ़ चम्मच दिया। फिर उसके बाद हम गोभी डालेंगे। इसको ज्यादा बॉईल नहीं करेंगे, हल्का बॉईल करेंगे। ठीक है, गोभी तो अपनी बॉईल हो जाएगी, पर उसके बाद मम्मी बता दो और क्या क्या चाहिए हमें। अब मैंने तीन कटे हुए प्याज लिया, एक टमाटर लिया। ओके, और इधर लहसुन लिया, 8 से 10 तक काजू लिया, किशमिश भी लिया, और इधर लिया मूंगफली, ज्यादा नहीं लिया, कम लिया, और 4 इलायची छोटी, लौंग लिया है 4-5, एक टुकड़ा दालचीनी, जायफल, और छोटा सा मैंने जैत्री लिया, जैत्री थोड़ा सा लिया, जायफल भी थोड़ा सा लिया मैंने, और ये सूखी हुई मिर्ची, तेज पत्ता, और कुछ नहीं। इसमें है क्रीम और ये दही। ओके, और इधर गुलाब जल और केवरा जल, इधर कसूरी मेथी, घी, मक्खन, बस इसमें बनेगा। तो अब खाना हम किस में बनाएंगे, मक्खन में बनाएंगे या घी में बनाएंगे? घी में बनाएंगे, गार्निश के लिए मक्खन डालेंगे। ओके, तो गाइस, तो अब अपना फूल गोभी बॉईल हो रहा है, उसके बाद हम दिखाते हैं प्रोसेस। तो गाइस, अपना फूल गोभी बॉईल हो चुका है, अब हम इसको प्लेट में डाल लेंगे बहुत ही हल्के हाथों से, वरना ये जल्दी ही टूट जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं आप। मम्मी, फूल गोभी तो बॉईल हो चुका है, अब क्या करेंगे हम? अभी हम दिखाएंगे। ओके, तब तक हम आपको ये दिखाते हैं फ्लेम। तो भाई, जब हम डालेंगे घी, एक चम्मच से ज्यादा ही देंगे। ओके, घी भी जमता हुआ। अब फिलहाल हम एक एक करके सारे मसाला डाल देंगे। ओके, ये पहले दिखाया था, जैत्री लिया, छोटे छोटे पापड़ी लिया, एक जायफल, एक दालचीनी, 5-6 लौंग, 4 छोटी इलायची, अब मूंगफली, किशमिश, काजू, एक साथ तो साथ लहसुन भी डाल देंगे। हमने अदरक नहीं दिया, आप लोग यूज कर सकते हो। okay. हमने नहीं दिया। अब हम प्याज भी डालेंगे, प्याज हमने बड़ा बड़ा पीस से काटा है, इसलिए हम मिक्सी में इसको पीस लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद पानी डाल के उबालेंगे, फिर ठंडा करके हम जार में डालेंगे, मिक्सी में, मिक्सी का जार में। अच्छा, हमें इसको पीसना है मतलब। हाँ जी। ओके, तो गाइस, ये रहा हमारा प्याज वगैरह जो हमने डाला था, अब इसके ऊपर हम डालेंगे नमक 1 चम्मच से ज़्यादा, नहीं 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक डाला है, और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा पानी, इसको हम अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। अच्छे से बॉईल करके हमें ठंडा करके इसको पीसना है। हम सोरा इसको ढक दें। हम ये देखो, गोभी हमारा ठंडा हो चुका है। हम थोड़ा इसमें डालेंगे दही। ओके, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे दही। इसमें पहले नमक दे चुके हैं, और इसमें डालेंगे प्लक पाउडर, कम ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे।
हम इसको मिलाएंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। गाइस हम एक और चीज बोलना भूल गए आपको कि हम इसमें ये भी यूज करने वाले हैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर। यस और इसको हम ना हल्का सा फ्राई करेंगे। ओके हल्का सा फ्राई जब करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस अब हम इसको ढक्कन देंगे देखेंगे क्या तक पहुंची हमारी गाड़ी। हो गया क्या मम्मी? हाँ हो गया। अब इसको हम ठंडा करेंगे। ओके तब तो ये ठंडा होगा। तो देखिए वहाँ पे चाय भी हमने बिठा दी है। चाय भी बन रही है हमारे यहाँ पे। ये चाय हमारे पापा के लिए। पापा को इस टाइम चाय चाहिए होता है। तब ये ठंडा होगा उसके बाद हम इसको मिक्स से पीसेंगे। तो गाइस ये हमारा ठंडा हो चुका है जो हमने प्याज वगैरह डाला था। अब हम इसको पीसेंगे मिक्सी के अंदर। ये जो दालचीनी है ना ये हम नहीं पीसेंगे। ये हम अलग से बाकी सब पीस लेंगे। तो दालचीनी एक ही थी? हाँ एक ही थी। आई थिंक सारा ही आ जाएगा एक ही। तो गाइस अब हम इसके ऊपर घी डालेंगे। हमारा वो भी तैयार है तो मिक्सी में पीसा था उसको। अब क्या डालेंगे मम्मी इसके ऊपर? अब गोभी हल्का हाथ से फ्राई करेंगे इसको। ओके हम एक कप नहीं देंगे मुझे टूट गया है। तो गाइस हमारे गोभी भी फ्राई हो गए एकदम हल्के हाथों से। हमने फ्राई किया इसको गोल्डन ब्राउन कलर हो जाना चाहिए। तो गाइस हमारा गोभी तो फ्राई हो गया था। अब हम घी डालेंगे दोबारा इसके ऊपर। जैसे कि हमने बोला था कि पूरा हमारा एक फुल गोभी कोरमा पूरा घी में ही बनेगा। ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। इसमें घी है उसमें भी घी है मसाला में इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। सूखी हुई लाल मिर्च दो डालें। तेज पत्ता दो डालें। इसको हम ना उठा के एक साइड पे रखेंगे। इसको ऊपर हम ये जो मसाला हमने पीस के रखा था ना इसको हम छान लेंगे। तो गाइस हमने इधर इसको छन्ने में छान लिया है। टाइम लगेगा हमारा। तो गाइस ये रहा हमारा मसाला जो बच गया था वो भी डाल देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा हमने इस पर पानी मिक्स किया है एकदम हल्का सा। क्या करेंगे मम्मी इसके ऊपर? आप इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे। ये डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कितने चम्मच? डेढ़ चम्मच की करीब डाल रहे हैं। डेढ़ चम्मच तो नहीं था खैर दो चम्मच ही था। नहीं छोटा छोटा चम्मच है ना तो डेढ़ चम्मच ही डाला है। तो भाई ये हमारा मसाला मतलब ग्रेवी जो भी बोले आप ये इसमें बॉयल आ चुका है। बॉयल हो चुका है तो हम अब गोभी डालेंगे इसमें। ओके
और कुछ डालेगा इसमें? हाँ और कुछ डालेंगे, देखो एक गुलाब जल डालेंगे। गुलाब जल कितना? एक चम्मच। एक चम्मच गुलाब जल। ओके ये क्या डाल रहा है मम्मी? एक केवड़ा डाला है। ओके ये भी एक चम्मच ही डालेंगे हम। उसके बाद? उसको बाद हम कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी कितना? बड़ा चम्मच का एक चम्मच। ओके थोड़ा क्रश कर लेंगे, फिर उसके बाद हम। खुशबू तो बहुत बढ़िया आई है, ऐसा लग रहा है हम चिकन कोरमा ही बना रहे हैं, लेकिन आज मंगलवार है तो हम अब इसके ऊपर हम बटर डालेंगे। ओके डन। वो जो क्रीम दिखाया था वो हम ज़्यादा नहीं देंगे, बस एक चम्मच की करीब ही है वो हम डाल देंगे, एक चम्मच ही है और कुछ नहीं, हो गया डन। अब देखिए तो गाइस ये देखिए हमारा फूलगोभी कोरमा, कॉलीफ्लावर कोरमा। तो आप लोग भी ट्राई करें, कैसा लगा मतलब बताएं हमको। अभी तो मैं इसकी टेस्टिंग भी करूंगा जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा। तो गाइस हमारा ये हो गया है कोरमा, फूलगोभी का कोरमा। तो हम इसके ऊपर कुछ डालेंगे नहीं? हाँ ये जो हमने फ्राई करके रखा था ना, क्या ये सब गार्निश के लिए रखे, तेज पत्ता। अच्छा, 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 अच्छा। सूखी मिर्ची और दालचीनी तो डाल दो। अभी इसमें शिफ्ट करेंगे ना। अच्छा गाइस खुशबू तो बहुत बढ़िया ही है, मजा आ गया। चावल के साथ या पुलाव के साथ या फ्राइड राइस के साथ मजा ही आ जाएगा। अब मेरी बारी है टेस्टिंग की, तो मम्मी फटाफट से मुझे एक कटोरे में दे दो। Nice, look at the color. Okay, तो ये मेरे लिए ही है। तो गाइस आपको बाहर से कुछ आवाज़ आ रही होंगी चिल्लाने की, एक्चुअली वो मैच चल रहा है बाहर। लुकिंग गुड। तो गाइस ये रहा हमारा फूलगोभी कोरमा जो एकदम पूरी तरह से रेडी है। तो ये रहा गाइस मतलब मेरे हिस्से का कोरमा। तो मैंने थोड़ा सा गोभी लिया है और ग्रेवी लिया है, बहुत गर्म है। अति उत्तम, बंगाली में कहेंगे तो अपूर्व। बहुत ही बढ़िया बना है गाइस, ऊपर से घी से बना तो घी का अलग ही एक एसेंस आ रहा है अंदर अंदर से। और थोड़ा सा और खा लूँ मैं फिर बताता हूँ आपको। मजा आ गया। आप लोग भी ट्राई करें, एकदम ऐसे ही सेम प्रोसेस में जैसे हमने बनाया है, बहुत बढ़िया लगेगा। और फिर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा। और पीछे अगर कुछ दिख रहा हो तो कोई मैच ही चल रहा होगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू।